the High Court have given such verdict, students will be in a great dilemma too. We feel like we have been betrayed and our hopes are, you know, broken. मैं लड़ूंगी, मेरे हिजाब के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हिजाब मेरा आइडेंटिटी है, मेरा प्राइड है। ये फैसला डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है। किताब में क्या लिखा है, उसके इंटरप्रिटेशंस क्या होंगे, क्या ये कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। Because the High Court have given such verdict, students will be in a great dilemma to what to choose next, what to learn next. Because colleges will deny them from wearing their hijab, the only identity what they had. They have been preserving this identity throughout their life, and all of a sudden, just because you have to attain knowledge, just because you want to learn what you have desired, you are being asked to remove your scarf. How unjust this seems to be. We are really, really disheartened by this verdict of High Court. We were expecting a really good judgment from this, from its side, but then it is not in favor of a Muslim girl. जो High Court ने जो decision दिया है वो baseless है, क्योंकि Islam में hijab एक essential part है, Quran कहता है, and मुझे बस इतना कहना है कि I am not going to give up, और मैं लड़ूंगी, मेरे hijab के लिए लड़ूंगी, क्योंकि hijab मेरा आइडेंटिटी है, मेरा प्राइड है, एंड मैं हिजाब के लिए कितना हो सकता है उतना लड़ूंगी। एंड व्हेन आवर कंट्री हैज गिवन द सेक्युलर राइट टू फॉलो रिलीजन प्लस कल्चर एंड एजुकेशन, व्हाई द हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अलाउइंग अस? आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट सर, आई डोंट नो व्हाट टू से। राइट नाउ वी आर मेंटली कोलैप्स एंड वी डोंट हैव एनी वर्ड्स। वी वर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो मच फ्रॉम आवर कंट्री। इफ टुडे डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज अलाइव, ही वुड लिटरली क्राई सीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 बहुत क्लियरली कहता है कि किसी रिलीजन के बुनियाद पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो इस फैसले में मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 15 बहुत क्लियर है और उसके बुनियाद पर अदालत को इस नौइयत का फ़ैसला नहीं देना चाहिए था। जाहिर बात है कि मुसलमान इसको, और वो बच्चे भी जिनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला हुआ है, और मुसलमान भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ ए रिलीजन, क्या ये कोर्ट तय करेगा? किताब में क्या लिखा है, उसके इंटरप्रिटेशंस क्या होंगे, क्या ये कोर्ट का जुरिसडिक्शन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मजाहिब के, कोई भी मजहब हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, उनके एसेंशियल जो प्रैक्टिसेस है उसको कोर्ट्स तय करने लगेंगे, और उनके स्क्रिप्चर्स के बाहर जाके, उस डोमेन के बाहर जाके तय करने लगेंगे, फिर तो बहुत बड़ा मसला होगा इस मुल्क में। क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, 3000 से ज़ायद रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़ रहती हैं, उनके अलग अलग उसूल और अलग अलग ज़ाबते हैं। क्या उन तमाम 3000 आइडेंटिटीज़ को कोर्ट तय कर सकता है? एक बात। दूसरी बात, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, क्या उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट इस मुल्क में कोई बना के कभी पेश करेगा? और अगर करेगा तो इन 3000 आइडेंटिटीज़ के जो पर्सनल लॉज हैं, 3000 से ज़्यादा पर्सनल, उनके एसिमिलेशन की कोई गुंजाइश मौजूद है, कोई तरीक़ाकार मौजूद है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस को, यानी कुरान पर टिप्पणी करना, उस पर रायजनी करना, तबसरा करना, या उसको एक्सप्लेन करना, ये किसी कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है। वो चाहे कुरान हो फिर, या गीता हो, या गुरु ग्रंथ साहब हो, या बाइबल्स हो, ये कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बाहर की चीज है। पहली बात तो ये है कि इस वर्डिक्ट में ये बात नहीं कही गई है कि सारे कैंपसेस में हिजाब को बैन किया जाएगा, बल्कि इस वर्डिक्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन कॉलेजेस में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया है और उन यूनिफॉर्म्स में हिजाब की इजाजत या गुंजाइश नहीं है, वहां पर हिजाब नहीं पहना जाएगा। इस वर्डिक्ट को बहाना बनाकर सारे स्टूडेंट्स को हरास करना या सारे कॉलेजेस में अनरेस्ट क्रिएट करना, ये सही नहीं होगा, ये कोर्ट के ऑर्डर का भी वायलेशन होगा और इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
दूसरी बात यह है कि किसी धर्म में क्या चीज एसेंशियल है क्या चीज एसेंशियल नहीं है ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। जो असल सवाल था वो ये था कि आप जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो किसी खास धर्म या समुदाय के लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हो सकता है, वो एक्सक्लूजनरी कैसे हो सकता है, उसको इंक्लूसिव होना चाहिए था। तो सवाल ये था, सवाल ये नहीं था कि इस्लाम में हिजाब कंपलसरी है या नहीं। वो जानना होता तो हम किसी से फतवा ले लेते, कर्नाटका हाईकोर्ट में नहीं जाते। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि ये ऑर्डिक्ट आने के बावजूद भी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटीज के पास इसकी स्पेस है कि वो इंक्लूसिव किस्म का यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करें ताकि उनके कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स ना हो और मुस्लिम लड़कियां आगे पढ़ाई कर सकें। चौथी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा पहले भी अनकंडीशनल सपोर्ट तमाम स्टूडेंट्स के लिए था, अब भी है, और सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इंसाफ को मानने वाले सारे लोगों का था। इस वर्डिक्ट से उस सॉलिडारिटी में कोई कमी नहीं आती। और पांचवी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप सोसाइटी के डेवलपमेंट की, देश की प्रगति की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ऐसे वर्डिक्ट्स के नतीजे में बहुत बड़ी तादाद एजुकेशन से दूर हो सकती है। तो एक ऐसे समय में जहां लोगों को शिक्षा से खरीब करना है, ऐसे वर्डिक्ट्स के जरिए से हो सकता है कि लोग शिक्षा से दूर हो, जो कि उचित नहीं है, और इस चीज को लीगली भी फाइट करने की जरूरत है, साथ ही साथ सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर भी इसको फाइट किया जाएगा।